चलो ठीक है, फिर अभी हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ विजुअल मेथड, जो आपके सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल के अंतर्गत ही दूसरा मेथड है। पहला जो मेथड था वो आपका था बायोकेमिकल मेथड, जिसके अंतर्गत दो चीजें पढ़ी थी हमने। एक ऑक्सोट्रॉफिक मेथड पढ़ा, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट वाला मेथड हमने पढ़ा, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों का जो ड्रग सेंसिटिविटी वाला मेथड हमने देखा था। आज मैं आप लोग को विजुअल मेथड पढ़ाऊंगी, तो विजुअल मेथड स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल मेथड या फिर विजुअल सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, ऑल्दो टीडीएस इज वेरी इफिशियंट, हालांकि देखा जाए तो ये विजुअल मेथड जो है इसको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ज्यादा टीडीएस मतलब थकाऊ प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है इंसान इसे करते करते, बहुत ऊब सकता है, लेकिन फिर भी इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आते हैं। तो इसे जो है फिर भी प्रिफर किया जाता है इसके टीडीएस होने के बावजूद। ठीक है, इन सम ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट डेफिशिएंट प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन पेरेंट आर फ्यूज्ड विद ग्रीन प्रोटोप्लास्ट ऑफ अनदर पेरेंट। कुछ कुछ प्रोटोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट आप क्या करेंगे, आप दो प्रकार के प्रोटोप्लास्ट लेंगे। एक जो प्रोटोप्लास्ट रहेगा वो ऐसा प्रोटोप्लास्ट रहेगा जो कि आपका नॉन ग्रीन रहेगा। नॉन ग्रीन मतलब आपका ग्रीन नहीं रहेगा कलर में, तो ग्रीन नहीं है दैट मीन्स इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है तो ये क्लोरोप्लास्ट रहित है। क्लोरोप्लास्ट रहित मतलब क्लोरोप्लास्ट, लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब दूसरा हमने जो प्रोटोप्लास्ट लिया है वो ऐसा प्रोटोप्लास्ट लिया है जो ग्रीन है, मतलब आपका कैसा वाला है, आपका जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका उपस्थित है मतलब क्लोरोफिल उपस्थित है इसमें। तो ये दो चीज हो गई, दो प्रोटोप्लास्ट आपने ले लिए, एक जो नॉन ग्रीन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट डेफिशियंट है, और दूसरा जो है आपका ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जो आपने ऐसे पौधे से लिए। देखो प्रोटोप्लास्ट आप कहाँ से निकालते हैं, प्रोटोप्लास्ट आप उसके पेरेंट से मतलब उस पौधे से निकाले हैं जिसमें आपका नॉन ग्रीन पौधा था, वो मतलब आपका जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं था। दूसरा प्रोटोप्लास्ट आपने कौन से पेरेंट से निकाला है, कौन से उसके जो पेरेंट थे, पेरेंट पौधा जो ग्रीन था जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित था। ठीक है, अब इन दोनों को हमको फ्यूज कराना है, हम दोनों को फ्यूज कराएं। फ्यूज कराने के बाद दिस फैसिलिटेट्स द विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेटेरोकैरियंस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इनके इनके क्रॉस कराने के बाद, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो है हमने दो तीन तरीके हमने अपनाए इसको क्रॉस करवाने के लिए, जैसा हम लोगों ने ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट में देखा था। अब आपको अच्छे से पता है कि जब हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट रहते हैं, तो कई बार वो सेम सेम अपने प्रजाति के साथ क्रॉस कर जाते हैं। जैसे हो सकता है कि आपने इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को ही लिया है, एक पूरे कंटेनर में रख दिया और प्रोफ्यूज करने के लिए छोड़ दिया, तो हो सकता है ये जो प्रोटोप्लास्ट नॉन ग्रीन वाला ये नॉन ग्रीन से ही हो जाए, और ये हो सकता है ग्रीन वाला ये ग्रीन वाले से ही हो जाए। ये दोनों आपस में भी हो सकते हैं, ये दोनों दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, तो तीन प्रकार से चीजें होती है, तो तीनों के रिजल्ट को हमको वॉच करना है। अगर आपका ये जो नॉन ग्रीन वाला प्रोटोप्लास्ट है ये एक दूसरे के साथ ही आपका सिलेक्शन मीडियम, नॉर्मल जो मीडियम जो होता है उसमें आपने ग्रो करवाने की कोशिश की, और ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये अपने वाले ही नॉन ग्रीन वाले प्रोटोप्लास्ट से ही फ्यूज हुआ है, तो क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा देखते हैं। अगर वो नॉन ग्रीन वाला है तो वो उसमें व्हाइट सेल्स की कॉलोनी दिखेगी, मतलब व्हाइट कलर की कॉलोनीज जो है वो आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट रहित है, ग्रीन कलर दिखाई हम लोगों को देगा नहीं, तो व्हाइट सेल आप लोग को कॉलोनीज जो है वो दिखाई देगी अगर ये नॉन ग्रीन वाला है तो। और उसकी वजह से इसमें कौन से कलर का कैलस आएगा, व्हाइट कलर का जो है आपका कैलस जो है वो ग्रो होगा। ठीक है, और उसी दूसरी तरफ अगर बात की जाए ग्रीन वाले की, तो ग्रीन वाले ने अगर क्रॉस किया ग्रीन वाले से ही तो आप लोगों को स्मॉल ग्रीन कॉलोनीज दिखाई देगी, छोटे छोटे ग्रीन कलर की कॉलोनीज जो है, जैसे बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई देती है ना, उसी प्रकार से छोटे छोटे ग्रीन कॉलोनीज दिखाई देगी। अब उसके बाद जो है आगे के स्टेप में क्या होगा कि ये आगे जाके कोई ग्रोथ करेगा ही नहीं,
छोटे से स्मॉल ग्रीन कॉलोनीज दिखी, छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन कॉलोनीज दिखी, उसके बाद जो है कोई ग्रोथ करेगा ही नहीं, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था जब ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के स्पीशीज के साथ जब ये कर ले रहे हैं तब की स्थिति पे। अब आगे देखते हैं क्या होगा अगर हमने दोनों को फ्यूज हुए, दोनों जो फ्यूज हुए हैं अगर, और दोनों के फ्यूज होने के परिणाम स्वरूप अगर चीजें होंगी कि एक ग्रीन वाला और एक क्लोरोप्लास्ट रहित वाला, अगर प्रोटोप्लास्ट दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए तो क्या होगा, ग्रीन सेल कॉलोनीज हमको दिखाई देगी। ग्रीन सेल कॉलोनीज हमको दिखाई देंगी पहले तो, उसके पश्चात है आपका ग्रीन कलर का कैलस भी दिखाई देगा। देखिए कैलस ग्रो होना मतलब सक्सेस हो रहा है, कैलस मतलब जो आपका गांठ जैसे रूप में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल रहता है, सिर्फ सेल रहता है वो, आप उसको देख के ये नहीं पता कर पाएंगे दैट इट इज प्लांट कोई, या फिर ये वो तना है या पत्ती, आप उसको देख के पता नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ वो आपका कैलस है मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जो कि सिर्फ सेल बन रहा है, अभी कैलस बन रहा है और कुछ हुआ नहीं। आगे जाके वो ग्रो करेगा तब वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ग्रीन सेल कॉलोनीज आई, उसके बाद ग्रीन कलर का कैलस आ गया, अब ये आगे जाके सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बना लेगा, पूरा प्लांट को ग्रो कर लेगा जो कि हाइब्रिड प्लांट रहेगा, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, तो ये आपका हुआ विजुअल मेथड में हम लोगों ने क्या देखा कि इसको हम लोग कैसे देखते हैं विजुअल मेथड में, इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में कलर को देख के समझेंगे। अगर हमको ग्रीन कलर ग्रीन सेल कॉलोनीज दिख रही है और ग्रीन कलर के कैलस दिखाई दे रहे हैं तो वो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बना है और वो सक्सेस है, तब हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में। ठीक है, तो द हेटेरोकैरियंस आर बिगर एंड ग्रीन इन कलर व्हाइल द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट आर आइदर स्मॉल और कलरलेस। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसके लिए भी बताया गया है, अगर आपका सिर्फ पेरेंट सेल रहेगा तो वो एक तो छोटे छोटे रहेंगे और दूसरा वो कलरलेस रहेंगे, कोई कलर नहीं रहेगा। क्यों भाई, देखिए यहाँ पर तो व्हाइट कलर कलर का कैलस बन रहा है तो वो तो कलरलेस हो गया, कोई कलर हमको व्हाइट ही दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे कॉलोनीज दिखाई दे रही है और छोटे भी हमको नहीं चाहिए, नहीं लेना है। लेकिन जो हमारे एक्चुअल में हेटेरोकैरियंस बने, हेटेरोकैरियंस क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीज मिलके बने, पहले वो होमोकैरियन ही बना रहे थे, सेम सेम वाले के साथ वो फ्यूज हो जा रहे थे, दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुए तो वो क्या बनाए, हेटेरोकैरियंस बनाए, और हेटेरोकैरियंस ही हमको चाहिए। ठीक है, हेटेरोकैरियंस बनने पे वो एक तो बिगर होंगे मतलब बड़े बड़े आप बड़े बड़े आपके कॉलोनीज दिखाई देंगी, और साथ ही साथ क्या है ग्रीन कलर में हम लोगों को दिखाई देंगे जो चीज इनमें हो रही है, सेल कॉलोनीज भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी और ग्रीन कलर का हमको वो शो दिखे शो करेगा, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा हेटेरोकैरियन है तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर में हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये होता है विजुअल मेथड जो हम लोग देख कर समझ रहे हैं चीजों को, इसलिए हमने कलर वाला चीज यूज किया, एक नॉन कलर और एक कलर वाला, इसलिए हमने एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट लिया है जो क्लोरोप्लास्ट रहित था, और जो हमने दूसरा प्रोटोप्लास्ट लिया है वो ऐसा लिया है जो क्लोरोप्लास्ट के साथ था, एक में क्लोरोफिल था एक में क्लोरोफिल नहीं था, तो जिसमें क्लोरोफिल था वो ग्रीन दिखेगा, जिसमें नहीं था वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका था आपके हेटेरोकैरियंस को सेलेक्ट करने का विजुअल मेथड। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का ये विजुअल मेथड यहाँ खत्म, नेक्स्ट मेथड देखते हैं साइटोमेट्रिक मेथड, थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हमारा बचा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम लोग का विजुअल मेथड यहाँ हुआ खत्म, अब हम देखेंगे साइटोमेट्रिक मेथड। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ विजुअल मेथड में ही हम लोग को देख के समझना है, तो देख के हम क्या चीज को समझ सकते हैं, कलर देख के हम समझ सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर लाइट माइक्रोस्कोप में देख के समझे हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं साइटोमेट्रिक मेथड, साइटोमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं उसे देखते हैं। सम वर्कर्स यूज फ्लो साइटोमेट्री, हम कुछ जो कर्मचारी थे या फिर कुछ जो वर्कर्स थे जो प्लांट ब्रीडिंग का या प्लांट के लिए रिसर्च का काम करते थे, उन लोग जो है फ्लो साइटोमेट्री यूज करते थे। फ्लो साइटोमेट्री
क्या होता है उसे जानने के लिए आप लोगों तो मुझे पहले फ्लो साइटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंट एक बार दिखाना रहेगा पहले तो। खैर उसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो देखते हैं फ्लो साइटोमेट्री का यूज करके करते क्या हैं। कुछ वर्कर जो हैं फ्लो साइटोमेट्री यूज करते थे एंड फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट व्हाइल देयर वायबिलिटी इज मेंटेन्ड। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो पहले तो आपको मैं दिखाती हूँ कि फ्लोरोसेंट किसे बोलते हैं, फ्लोरोसेंस में होता क्या है। ठीक है, आप लोग की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरोसेंस क्या है उसका मतलब समझते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि एक ऐसा मतलब एबिलिटी होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइट को, ताकि वो लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और उसके अगेंस्ट उसके बदले में वो क्या करता है, एक लाइट को एब्जॉर्ब करके दूसरी लाइट को वो एमिट करता है, फेंकता है अपने से। ठीक है, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट वन वेवलेंथ एंड देन टू एमिट इट एट अनदर। एक वेवलेंथ पे वो लाइट को पूरा अवशोषित कर लेता है और दूसरे वेवलेंथ पे वो लाइट को क्या करता है, पूरा एमिट करता है, मतलब फेंकता है लाइट को अपने अंदर से। ठीक है, तो अगर इस एक और डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप लोग के सामने जो डायग्राम है इसमें फ्लोरोसेंस मटेरियल डाला हुआ है, इसमें हम लाइट डालने से ना वो वापस लाइट हमारे तरफ फेंक रहा है। आप लोगों के पास कई बार ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग ऐसे खेलने के लिए पहले बचपन में लेकर आते थे, जिससे क्या होता था कि वो रिंग जैसे रहती थी, जैसे लाइट बंद करते थे ना तो वो अपना पूरा लाइट उसमें से आती हुई फेंकती हुई दिखाई देती थी। तो उसमें क्यों, क्योंकि उसमें फ्लोरोसेंस मटेरियल डाला रहता था। तो इस मेथड को यूज करके, इस मेथड पे बेस्ड है हमारा साइटोमेट्रिक मेथड। थोड़ा सा साइटोमेट्रिक मेथड में इसी फ्लोरोसेंस टेक्निक को यूज किया गया है। क्या करते थे उन लोग, फ्लो साइटोमेट्री यूज करते थे और फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करके वो क्या करते थे, उन सेल्स को छांट लेते थे, उन सेल्स की सॉर्टिंग करना मतलब छांट लेते थे, ताकि जो कि फ्यूज हुए हैं एक्चुअल में प्रोटोप्लास्ट, उसके लिए वो क्या करते थे कि फ्लोरोसेंस मटेरियल, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो प्रोटोप्लास्ट आपने फ्यूज करने के लिए एक साथ रखे थे, ठीक है, उसमें आप उसने क्या किया कि फ्लोरोसेंस मटेरियल को उन्होंने यूज किया। ठीक है, फ्लोरोसेंस मटेरियल को यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलरली ये फ्यूज हो गए पूरे सेल्स इसमें। अब फ्यूज होने के बाद इन्हें स्ट्रेन कर लिया, मतलब छान के दूसरे में कर लिया। अब जो टूटे फूटे हैं वो भी सेल्स है इसमें, कुछ फ्यूज हैं कुछ अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक और चीज का ध्यान रखा उन्होंने कि जो एक्चुअल में फ्यूज हुए हैं, जो फ्यूज्ड सेल रहेंगे, ठीक है, जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट या फ्यूज्ड सेल रहेंगे, जैसे ही उनमें फ्लोरोसेंस मटेरियल पड़ेगा, ठीक है, फ्लोरोसेंट जो मटेरियल है वो जैसे ही पड़ेगा उनमें, तो वो उनके अंदर से जो है लाइट फीकेगी अंदर से। जैसे ही उस सेल में फ्लोरोसेंस मटेरियल अंदर जाएगा तो उसके अंदर से लाइट निकलेगी। ठीक है, तो उससे ये समझ जाएंगे कि हाँ ये वाला फ्यूज्ड है जिससे लाइट निकल रही है। ठीक, इसके लिए इनका ये जो प्रोसेस है जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि अब जरूरी थोड़ी ना है कि फ्यूज्ड वाले पे ही पड़े वो वाला फ्लोरोसेंस प्रोडक्ट जो है आपका, वो दूसरे पे भी तो पड़ सकता है ना। तो इसके लिए उन्होंने फ्लो साइटोमेट्री भी यूज करते थे। फ्लो साइटोमेट्री का एक अलग तरीका होता था। द सेम टेक्निक कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ हेटेरोकैरियंस। द हाइब्रिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सच सिलेक्शन हैव प्रूव्ड यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स। इसका एक जो सबसे बड़ा डीमेरिट था वो ये था कि इसमें सिर्फ हेटेरोकैरियंस हमको पता नहीं चलते थे, क्योंकि इनमें जो है आपके होमोकैरियंस और हेटेरोकैरियंस दोनों को पता चलते थे, क्योंकि जो फ्यूज्ड सेल है उनमें सेम सेम वाले भी हो सकते थे प्रजाति वाले, और अलग अलग प्रजाति के भी, सेम प्रजाति वाले होमोकैरियंस कहलाते हैं और अलग प्रजाति वाले हेटेरोकैरियंस कहलाते हैं। तो वो जो फ्लोरोसेंट है वो सबके साथ कार्य करता था कि फ्यूज्ड सेल बस होना चाहिए, फ्यूज्ड सेल रहेगा तो वो वहां जाके अटैच होता था, जिसके विपरीत वो क्या करता था, लाइट फेंकता था। तो लाइट जब फेंकता था तो जिसपे ऐसी लाइट हमको आनी दिखाई देगी, मतलब हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे देखने के लिए हम लोग फ्लो साइटोमेट्री यूज करते थे कि कौन से फ्लो साइटोमेट्री यूज करके लोग देखते थे कि किसमें से फ्लोरोसेंट लाइट निकलते हुए हमको दिखाई दे रही है, फ्लोरोसेंस लाइट निकलते हुए दिखाई दे रही है, मतलब वो फ्यूज्ड वाले सेल है। अब उसे फ्यूज्ड वाले सेल को वो निकाल लिए, अब उनमें से उनको छांटना है कि होमोकैरियंस कौन से हेटेरोकैरियंस के हैं। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती थी, तो ये प्रोसीजर को ज्यादा प्रिफर नहीं किया जाता था, क्योंकि इसमें क्या है होमोकैरियंस और हेटेरोकैरियंस को अलग अलग नहीं छांट सकते थे हम,
इसमें दोनों जो है फ्लोरोसेंस मटेरियल दोनों पे काम करता था फ्यूज्ड सेल पे, तो इसलिए ये ज्यादा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता था। इसलिए बेटर है कि विजुअल मेथड और जो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट और जो ड्रग सेंसिटिविटी जो मेथड्स थे जो बायोकेमिकल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो आपका साइटोमेट्रिक मेथड जो है आपके किस पे ऊपर बेस्ड है, आपकी फ्लो साइटोमेट्री और फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग इसलिए फ्लोरोसेंस मटेरियल यूज किया जा रहा है क्योंकि इनमें जो सेल्स हैं वो फ्लोरोसेंस को लेकर अगर सेंसिटिव सेल्स होते थे जिनको यूज किया जाता था ताकि फ्लोरोसेंस का उन पे असर हो। कुछ सेल्स ऐसे भी रहते हैं जिनका फ्लोरोसेंस मटेरियल डालने पे भी उन पे असर नहीं होता है फ्लोरोसेंस का, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो फ्लोरोसेंस सेंसिटिव थे। ठीक है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड थे, जैसे ही हम फ्लोरोसेंट मटेरियल डालते थे वो एकदम से एक्टिव हो जाते थे, वहां अपने अंदर से लाइट फेंकना चालू कर देते जिससे हम डिटेक्ट कर लेते थे उनको। तो ये मेथड को इसलिए अप्लाई किया गया साइटोमेट्रिक मेथड में। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का तीसरा मेथड था, एक जो आपका है साइटोमेट्रिक मेथड। तो हम लोगों ने अभी तक अगर मैं बात करूं कौन कौन से मेथड देख लिए, तो हम लोगों ने हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत पहला मेथड देखा बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड के अंतर्गत हमने दो देखा, एक था हमारा ड्रग सेंसिटिविटी और दूसरा था हमारा ड्रग सेंसिटिविटी के अलावा जो तो दूसरा था ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। दूसरा मेथड था हमारा विजुअल मेथड जिसमें हम लोगों ने देखकर समझेंगे, इसलिए हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते थे। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख के लाइट माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट वाला प्लांट यूज करते थे, एक बिना क्लोरोप्लास्ट वाला और एक क्लोरोप्लास्ट वाला। ठीक है, और जो तीसरा मेथड जो मैंने अभी बताया वो था आपका साइटोमेट्रिक मेथड। साइटोमेट्रिक मेथड में जो आप लोगों का फ्लोरोसेंस मटेरियल यूज किया जाता था जिसमें आप लोगों के फ्लोरोसेंस मटेरियल डालकर हम जान पाते थे कि कौन से सेल फ्यूज हुए हैं और कौन से सेल फ्यूज नहीं हुए हैं, जिनमें फ्लोरोसेंस लाइट हमको दिखाई देती थी वो आपके फ्यूज्ड सेल होते थे, और जिन पे क्लोरोप्ला आप लोगों को फ्लोरोसेंस लाइट दिखाई नहीं देगी वो फ्यूज्ड सेल नहीं है। ठीक है, ये मेथड लेकिन बहुत ज्यादा टीडीएस मेथड है ये वाला, लेकिन देखा जाए तो विजुअल मेथड भी टीडीएस है लेकिन फिर भी स्टिल इसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रिफर इसे किया जाता है, उसके बाद बायोकेमिकल मेथड्स के अंतर्गत ड्रग सेंसिटिविटी को, उसके बाद इसे लास्ट में इसे, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें सक्सेस रेट ज्यादा नहीं रहती थी साइटोमेट्रिक मेथड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट टॉपिक। अब हमारा सिर्फ इस पूरे टॉपिक में, प्रोटोप्लास्ट वाले टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज बच गई है, वो आपका साइब्रिड किसे कहते हैं और आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के आपके एप्लीकेशंस बच गए हैं। आज की क्लास खत्म होने वाली है तो मैं आज की क्लास में सिर्फ यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल की क्लास में मैं साइब्रिड क्या होता है उसे बताऊंगी। थोड़ी देर आपका कल पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में आ जाएंगे। एक बार आप लोगों का सिलेबस भी हम लोग चेक कर लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर अपना सिलेबस देख पा रहे होंगे। सिलेबस में आप ध्यान से देखिए तो यूनिट वन अपना पूरा कंप्लीट है, यूनिट टू में हम लोगों का ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस हो चुका है, अभी हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन, फ्यूजन के अंतर्गत हम लोग का सिलेक्शन प्रोसीजर भी हो गया है, एक साइब्रिड और एप्लीकेशन ही बच गया है हमारा जिसे हम लोग कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जो यूनिट वन का फर्स्ट टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल, उसके बाद हमारा दो टॉपिक बस बचेगा तो यूनिट टू भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों के यूनिट टेस्ट की बात करूं तो यूनिट टेस्ट में आप लोगों का पेपर वन का यूनिट वन और पेपर टू का यूनिट वन ये दो चीजें ही आएंगी। तो पेपर वन का जो यूनिट वन है जिसके मैं अगर नोट्स नहीं दे पाई हूँ तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोग का किस तारीख को हो रहा है बेटा इसका एग्जाम, एक मिनट यहीं पर इसको खत्म।